हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल हमारा जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर मॉडल पोर्टफोलियो वर्क्स उसका कोई डेमो देख सकते हैं क्या एंड मेनी पीपल है वेरी यूनिक प्रोडक्ट वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट इन द इन दिस इन्वेस्टमेंट स्पेस ठीक है तो आई थॉट दैट टूडे आई विल बेसिकली गो टेक यू थ्रू दिस प्रोडक्ट

और किस थॉट प्रोसेस से हमने उसको बनाया है कैसे काम करता है हाउ इट वर्क लॉट ऑफ पीपल आस्क आस्कर्स कि हाउ इज मॉडल पोर्टफोलियो हाउ इट इज बेटर और वर्स और सिमिलर टू स्मॉल केस ठीक है स्मॉल केस इज ऑल्सो वी विल कम्पेयर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्पेरिजन वी विल डू एंड देन फ्यू फ्यू फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन द प्रोडक्ट विच पीपल वॉन्ट टू बाय वेन दे वॉन्ट टू बाय हैव वेरियस क्वेश्चन टॉक अबाउट दैट एज वेल So, just starting with what is model portfolios. So, they are ready made portfolios, which our team of experts, including me, Parimal, we have created these uh, products based on our majorly fundamental analysis and the 5g framework uh, which we use uh, to analyze various stocks and, and uh, our methodology in analyzing various mutual funds in mfv we take that experience we take that knowledge and we put that and we create a portfolios here portfolios with the name of stocks mutual funds and the itina unka weightage portfolio me राइट रेगुलरली वी रिव्यू दो स्टॉक्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड एंड सी देयर परफॉर्मेंसेज ठीक है और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वी रिमूव दैम कोई दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग कोई कंपनी है विच वी थिंक दैट इट फिट्स इन आवर होल गैमेट ऑफ द मेथडोलॉजी विच वी हैव तो उसको हम इंक्लूड करते हैं रीबैलेंसिंग रेगुलरली होता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओरिएटेड पोर्टफोलियोज होते हैं जो प्योर स्टॉक हैं वो क्वार्टरली हम उनको रीबैलेंस करते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं रिव्यू करते हैं बेस्ड ऑन द्वारा फंड ऑल्सो मोस्टली क्वार्टरली या फिर एवरी सिक्स मंथस दे आर रिव्यूड एंड रिबैलेंड हमारे पास जो पोर्टफोलियोज हैं टोटल एट पोर्टफोलियोज हैं जिसमें से फ्यू पोर्टफोलियोज आई विल शेयर यू द नेम ऑफ द पोर्टफोलियोज एंड हाउ डिफरेंट पोर्टफोलियोज वर्क तो कुछ पोर्टफोलियोज हैं जो दोनों जिसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों हैं ठीक है तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो टाइप जैसे एक इंडिविजुअल को अगर एक कंप्लीट अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है तो वी बिलीव दैट द पर्सन शुड हैव स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एज वेल ठीक है एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर को बनाना है तो उस हिसाब से वी हैव क्रिएटेड दो पोर्टफोलियो जिसमें दोनों हैं देन दे आर स्टॉक ओनली पोर्टफोलियोज सो पीपल हु डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एट ऑल ठीक है तो उनके लिए एक स्टॉक ओनली पोर्टफोलियोज भी हैं एंड देन देर आर ओनली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ऑल्सो ठीक है तो जिनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना मेरे को सिर्फ अच्छा म्यूचुअल फंड्स बताओ कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है ये मेरा गोल है तो उस हिसाब से भी वी हैव क्रिएटेड ओनली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज एज वेल तो टोटल एट पोर्टफोलियोज सेड टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो फाइव ट्रिपल नाइन विच यू गेट एक्सेस टू ऑल एट पोर्टफोलियोज तो यू कैनोट पिक एंड चूज करंटली आपको सारे पोर्टफोलियोज का एक्सेस मिलेगा uh, this, uh, so, आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि पोर्टफोलियोज जो हैं एक इंडिविजुअल के बनते कैसे हैं क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए किस टाइप की रिसर्च होनी चाहिए और सारे पोर्टफोलियोज जो है हमारे क्योंकि मेजरली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड वाले हैं तो वो लॉन्ग टर्म ओरिएटेड है फाइव प्लस सेवन प्लस एट प्लस टाइम होराइजन के हिसाब से प्योर मोजली प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पोर्टफोलियो है तो मैं आपको अभी डायरेक्टली डेमो पे ले जाता हूँ प्रोडक्ट के ठीक है एंड देन वी विल सी दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू देयर तो दिस इज द पेज इफ यू गो टू इन्वेस्टजना वेबसाइट तो वहां पर अगर आप मॉडल पोर्टफोलियोस को क्लिक करेंगे तो दिस इज द पेज वेयर यू विल बेसिकली रीच ठीक है तो जैसा मैंने बोला दे आर रेडी मेड तो सबके लिए सेम है आपके लिए कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगा एज ए इन्वेस्टर अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कस्टमाइज कर लूँ आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज करें कर सकते हैं बट एज एडवाइजर्स वी एज एडवाइजर्स वी विल नॉट सजेस्ट बिकॉज जब कस्टमाइजेशन करना है तो फिर पूरा वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही करना पड़ता है करंट पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी एक प्लान फॉर इंडिविजुअल कैन बी मेड सो दीज पोर्टफोलियो रेडीमेड तो आपको ये पूरा का पूरा चूज कर सकते हैं आपको सम पार्ट चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल वो आपकी मर्जी है वी एज अ कंपनी सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा चूज कीजिए तभी वो पूरा हमारा अलाइनमेंट आपका सही होगा क्योंकि हमने उस हिसाब से सेक्टर एलोकेशन दिया हुआ है डिफरेंट मार्केट कैप का एलोकेशन थॉट प्रोसेस दिया हुआ है कैश एलोकेशन उस हिसाब से पूरा थॉट प्रोसेस दिया है इसलिए वी ऑलवेज सजेस्ट दैट इफ यू वॉन्ट टू फॉलो फॉलो इट कम्प्लीटली बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू एज ए इंडिविजुअल एज वेल ठीक है तो मैंने जैसे बताया कि हमारा एक्सपर्टीज हमारा जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का परिमल मोर देन 14 ईयर एक्सपीरियंस आई है मोर देन 12 ईयर एक्सपीरियंस एंड देन वी हैव अ टीम ऑफ सी एफ एस सी एज एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड फोक्स हुस इन दिस थिंग्स डाइवर्सिफिकेशन पर हम अच्छा ध्यान देते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं कि रिस्क जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं इफ यू विल सी दे मोस्टली हैव लोअर डाउन साइड रिस्क दैट्स वट वी मोस्टली ट्राई ठीक है इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन पोर्टफोलियो विद डिफरेंट एसेट क्लासेस मार्केट व्यू आपको लेटेस्ट मिलता रहेगा इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत ही डायनामिक है एक एसेट एलोकेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है बहुत ही डीप रिसर्च करते हैं आई एम श्योर दैट इफ यू हैव गाइस हैव सीन अवर वेरियस स्टॉक एनालिसिस वीडियोस एंड ऑल दैट यू अंडरस्टैंड कि वी एनालाइज थिंग्स इन वेरी वेरी डिटेल बोथ फॉर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंडस आपके पास अभी करंटली एट ऑप्शन हैं चूज करने के लिए जिसमें आप एस आई बी बेस्ड पोर्टफोलियोज भी हैं लमसम बेस्ड पोर्टफोलियोज भी हैं राइट एंड लिट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम मोजरली वी आर प्राउड इंडिया फर्स्ट तो इंडियन इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस से ही ये सारे पोर्टफोलियोज बनाए गए सो इट्स कंप्लीटली फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स थॉट प्रोसेस तो आर द एट करंटली पोर्टफोलियोज यू सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज एंड देन एक पोर्टफोलियो का थोड़ा डिटेल में भी हम समझेंगे तो नाउ दीज थ्री इफ यू विल सी कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड ग्रोथ सो दीज थ्री आर बेसिकली रिस्क प्रोफाइलिंग बेस्ड पोर्टफोलियो ठीक है तो कंजर्वेटिव मीन्स अगर आपका एक बहुत ही लो रिस्क प्रोफाइलिंग है तो आप उसको चूज कर सकते हैं ठीक है एक रिटायर्ड है अगर आप या फिर रिटायरमेंट के पास हैं एंड यू वांट टू हैव अ वेरी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो सो दिस इज अ पोर्टफोलियो फॉर यू इट हैज बोथ म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज सम स्टॉक्स एज वेल सिमिलरली मॉडरेट इज अ फॉर मॉडरेटली रिस्क प्रोफाइल ठीक है मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मॉडरेट के आसपास ही रहते हैं तो उनके हिसाब से मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल दिस पोर्टफोलियो वर्क्स वेरी वेल अगेन इट इज अ कंप्लीट पोर्टफोलियो इसमें हम कैश एलोकेशन भी रहेगा आपका म्यूचुअल फंड एलोकेशन भी रहेगा और स्टॉक्स प्योर स्टॉक्स एलोकेशन भी रहेगा सेम विद ग्रोथ इज अ मोर एग्रेसिव Customer, तो उसके से ही रहेंगे, थोड़े और, रहेंगे, में थोड़े, और थोड़े, uh, रहते हैं, में थोड़े आपको हाई ग्रोथ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स रहेंगे एंड सिमिलरली फॉर द वेल मोर एग्रेसिव मोर स्मॉल मिड कैप टाइप ऑफ फंड सी देयर इन ग्रोथ पोर्टफोलियो राइट सो दिस इज हाउ वीव डीज थ्री पोर्टफोलियोज कंप्लीट पोर्टफोलियोस या पूरा पूरा का चूज कर सकते हैं और सिर्फ यही मैनेज कर सकते हैं इसके अलावा कोई एसेट क्लास आपको चाहिए ही नहीं राइट मतलब पूरा कंप्लीट आप इसको मैनेज कर सकते हैं देन वी हैव थ्री स्टॉक ओनली पोर्टफोलियोस राइट तो काफी सारा फीडबैक आया वंस वी क्रिएटेड फर्स्ट थ्री पोर्टफोलियोज तो कि भाई हमें सिर्फ स्टॉक्स में डालना है सर मुझे नहीं डालना म्यूचुअल फंड में आप मेरे स्टॉक्स के हिसाब से बताओ तो वी क्रिएटेड एस आई पी बेस्ड ओनली एसआईपी बेस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो एक मॉडरेटली टू एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर्स के हिसाब से मेजरली लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है ये मल्टी कैप बोलते हैं हम मतलब हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम स्मॉल कैप चूज नहीं करेंगे बट अगर करंट आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो मेजरली लार्ज मिड कैप बेस्ड ये पोर्टफोलियो है राइट सो दिस इज प्योर फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पोर्टफोलियो मतलब कोई भी स्टॉक हम चूज करते हैं इसमें तो लॉन्ग टर्म सेवन टू एट इयर्स के होराइजन के हिसाब से चूज करते हैं ये थॉट प्रोसेस से करते हैं कि ये सेवन एट इयर्स में आपको अच्छे रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा राइट सो दैट इज दॉट प्रोसेस क्लियर थॉट प्रोसेस डिटेल रिसर्च होता है फाइव जी फ्रेमवर्क पे एंड बेस्ड ऑन दैट वी सेलेक्ट द स्टॉक एंड वी एनालाइज की हाँ ये इस प्रोफाइल पे फिट बैठ रहा है एंड दिस स्टॉक कैन गिव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर नेक्स्ट सेवन टू एट ईयर्स टाइप ऑफ जो भी होराइजन है उसका

ट्रेंड्स जो है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होती है 52 टू वीक्स हाई से कितना लोगों वो सब चीजों के हिसाब से ही इसमें जो स्टॉक है उसमें वही स्टॉक पिक किए जाते हैं जिसमें लगता है कि हाँ दे आर वैल्यू स्टॉक्स दे आर बीटन डाउन बाय द मार्केट करेंटली बट दे हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो सो ये एक मोर आपको मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स के हिसाब से है इसमें डाउन साइड रिस्क थोड़ा कम रहता है राइट बट अगेन इट डी आर नॉट प्योर फंडामेंटल एनालिसिस पोर्टफोलियो uh, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हम रिसर्च नहीं देते हैं फंडामेंटलिकल फैक्टर्स प्योरली एक फंडामेंटलिस तो नहीं चूज होता है यहाँ पे स्टॉक राइट अगेन दिस इज ओनली स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो देन वी हैव रिसेंटली लॉन्च दिस स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो ठीक है तो ये पोर्टफोलियो में क्या है कि वी टेक दिस एज अ रूल की कोई भी लार्ज कैप स्टॉक इसमें नहीं आएगा डेफिनेटली निफ्टी फिफ्टी का कोई स्टॉक आपको इसमें नहीं दिखेगा 50, 50 के एक दो जो मिड कैप से लार्ज कैप रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं वो शायद एक आद तो दिख जाएंगे लेकिन वो भी धीरे धीरे वी प्लान की वी विल रिमूव दम बट मेजरली दिस इज अ प्योर स्मॉल एंड मिड कैप ओरियंटेड पोर्टफोलियो अगेन अ प्योर स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो फॉर वेरी हाई रिस्क टेकर्स राइट वी मोस्टली सजेस्ट कि आप ये अलोन अकेला नहीं होना चाहिए आपके पास ये इसके अलावा भी आपके पास एक अच्छा खासा लार्ज कैप एलोकेशन होना चाहिए राइट right? तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो पोर्टफोलियोज हैं जो स्टॉक ओनली पोर्टफोलियोज हैं वो मोस्टली दे आर नॉट ए कम्पलीट कि आपके पास सिर्फ यही पोर्टफोलियो होना चाहिए और कुछ भी नहीं राइट सो सिमिलरली वैल्यू सिमिलरली एस एस आई पी स्टिल इज फाइन है? क्योंकि वो एक मोर फंडामेंटल प्रोसेस के हिसाब से है बट फॉर बोथ वैल्यू एंड स्मॉल एंड एक पार्ट हो सकता है पूरे portfolio का ओनली एसेट पोर्टफोलियो विच यू हैव राइट इट कैन बी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट सिमिलरली स्मॉल एंड मिड कैप इज फॉर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर ऑलमोस्ट टेन प्लस के, के हिसाब से वी टेक दिस वी वेरी वेरी क्लियरली बहुत डिटेल एनालिसिस करते रहते हैं हाई क्वालिटी कंपनीज यहाँ पर चूज करते हैं फ्रॉम कंपनीज फ्रॉम 101 वन रैंक इन मार्केट कैपिटल 500 रैंक ठीक है तो उसमें से वी कम्प चूज करके एंड वी क्रिएट दिस पोर्टफोलियोज ऑल द स्टॉक ओनली पोर्टफोलियोज या स्टॉक ओरिएटेड पोर्टफोलियोज उसमें इफ यू विल सी द नंबर ऑफ स्टॉक्स इट इज बिटवीन टू टू वी मोस्टली नॉट हैव मोर देन भी स्मॉल एंड मिड कैप वाले में है क्योंकि वहां डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है रिस्क बहुत ज्यादा होता है बट रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो यू विल सी इट इज मोस्टली अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो ठीक है नेक्स्ट

वेल्थ क्रिएशन गोल के लिए आपके कि आपके मेजर सारे गोल्स रिटायरमेंट चाइल्ड एजुकेशन ये सब गोल्स कंप्लीट हो गए हैं ये आपके सेट हैं उसके अलावा यू यू हैव सम मनी लेफ्ट राइट तो उस वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन जिसमें यूएस इक्विटी का एलोकेशन भी रहेगा थोड़ा गोल्ड का एलोकेशन भी रहेगा तो वो उस हिसाब से एक प्योर वेल्थ क्रिएशन टाइप ऑफ ए पोर्टफोलियो यहाँ हमने बनाने की कोशिश की है सिमिलरली फॉर रेगुलर इनकम विद ग्रोथ दिस इज फॉर आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए यू हैवर्प एक लमसम पैसा पड़ा है आपके पास इफ यू आर रिटायर्ड यू हैमसम और यू वॉन्ट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम दैट राइट सो रेगुलर इनकम फॉर लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि छह महीने के लिए रेगुलर इनकम चाहिए एक साल की नहीं है, उसके लिए नहीं है ये पोर्टफोलियो मेजरली इफ यू नीड अ रेगुलर इनकम फॉर टेन ईयर्स प्लस ठीक है तो इफ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस

राइट right, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको बहुत कम होना चाहिए ये चूज करूँ या वो चूज करू हमारे हिसाब से क्योंकि काफी एक डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हिसाब से हर पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट किया हुआ है और सबका डिटेल्स उस हिसाब से हमने दिया हुआ है अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फ्रॉम मॉडरेट पर्स्पेक्टिव की मॉडरेट पोर्टफोलियो सबकी हमने मेथोडोलॉजी यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ एवरीथिंग वी हैव पेस्टेड है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दीज मेथोडोलॉजीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दीज पोर्टफोलियोज वेरी वेरी इन डिटेल कि इनका कौन सा बेंच मार्क है इनका परफॉर्मेंस कैसा है लास्ट एक साल में लास्ट मंथ सब कुछ आपको इन मेथोलॉजी डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन अ मेथोलॉजी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सपोज अ मॉडरेट पोर्टफोलियो विच वॉज रिसेंटली अपडेटेड तो आप यहां देख सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच क्या है ये मेजरली कंजम्पशन ड्रिवन पोर्टफोलियो है कंजम्पशन थीम ड्रिवन पोर्टफोलियो है फोकस मेजरली वहीं पर है राइट फंड सिलेक्शन अप्रोच क्या है तो वो भी यहाँ पर समझाया हुआ है कि डेट फंड्स भी लिए हुए हैं म्यूचुअल फंड लिए हैं तो ईडीएफ एंड इंडेक्स फंड के हिसाब से भी सोचा हुआ है तो फंड जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अप्रोच क्या है राइट right? और उसके हिसाब से स्टॉक ओरिएंटेड फिर हमारी अप्रोच क्या है वो यहां पर बताया हुआ है कि किस तरह से हमारी मेथोडोलॉजी है कि कौन कौन से स्टॉक लिए हैं फंड्स कौन से लिए हुए स्टॉक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है फंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है एंड हाउ वी डू पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एंड मॉनिटरिंग राइट सो यू विल गेट ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडल पोर्टफोलियो का स्ट्रेटेजी क्या है रैशनल

35 टू 50 ईयर ओल्ड तो यहां पर इन्वेस्ट कर, कर सकता है और एक हाई रिस्क इन्वेस्टर फॉर 50 प्लस वो भी इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम 5 इयर्स का होराइजन चल के रखिए आप क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है और ये इसका बेंचमार्क है इनसेप्शन दिसंबर 1st को ये पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ था 2019 में राइट सो ऑलमोस्ट इट हैज कंप्लीटेड टुडे ऑलमोस्ट 9 10 मंथ्स इसका परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क कैसा रहा इन लास्ट 5 इयर्स यू कैन सी दैट हियर राइट सो परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी गुड as compared to benchmark राइट right? uh, ये बैक टेस्टिंग बेस्ड है उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ था उसके बाद भी परफॉर्मेंस हमने यहां दिया हुआ है राइट सो दिस इज हाउ बेसिकली आफ्टर द लॉन्च ऑफ द पोर्टफोलियो इन दिसंबर 2019 यू कैन सी जनवरी में डिड इन बट फेब में डिड वेल मार्च में वर्स बट आगे उसके बाद अप्रैल में डिड वेरी वेल मार्च मई में डिड वेल लास्ट थ्री मंथ्स में इट इज डूइंग बेटर देन द सो दैट इज हाउ यू कैन सी दिस हाउ दिस फंड

परफॉर्मेंस आई थिंक इट इज कमेंडेबल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस थॉट प्रोसेस से ये डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैश एलोकेशन भी अच्छा खासा है म्यूचुअल फंड में भी एलोकेशन है तो उस तरह से ही ये ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है क्रिएट किया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गिव अट प्रोसेस अबाउट इट ठीक है सो ऑल दीज टाइप ऑफ मेथोलॉजी डॉक्यूमेंट यू कैन सी ऑफ वेरियस पोर्टफोलियोज ठीक है नाउ आई विल टेक यू थ्रू द

लेटेस्ट न्यूज एवरीथिंग यू कैन गेट बाय क्लिकिंग ऑन द कंपनी है सो वंस यू क्लिक ऑन द कंपनी गो टू दैट पेज इन द स्टोकोमीटर प्लस हमारा प्लान में आपको एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसका सारा डिटेल वहां पर देख सकते हैं न्यूज़ भी ट्रैक कर सकते हैं हमने जो रिसर्च किया है फंडामेंटल ओरिएंटेड वो सारा देख सकते हैं सब कुछ यहाँ ट्रैक कर सकते हैं और उसका वेटेज के हिसाब से यू कैन प्लान कि यू वांट टू इन्वेस्ट कितना उसमें इन्वेस्ट करना है और इस तरह से आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट यहां पर मिलेगी सिमिलरली म्यूचुअल फंड की भी आपको एक लिस्ट यहां पर मिलेगी अगर वो पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड भी हैं राइट सो म्यूचुअल फंड नेम मिलेगा आपको टाइप ऑफ फंड कितना वेटेज है उसका और उसकी एन लास्ट कैसी है सो दिस इज हाउ द डिटेल्स यू विल गेट इन ये आपको सारा रिसर्च मिलेगा अबाउट वेरियस ऑफ अवर पोर्टफोलियो सो डीप डाइव इन टू पूरा की क्यों हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए थे क्या था प्रोसेस था उनका क्या एनालिसिस है वो पूरा हमारा रिसर्च आपको यहाँ पर मिलेगा सिमिलरली क्वार्टरली रीबैलेंसिंग जो भी रीबैलेंसिंग करते हैं हम क्वार्टर में राइट right, अगर उस पोर्टफोलियो का तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स की वाई वी है हमने कोई चेंज किया है कोई स्टॉक को निकाला है कोई डाला है सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स हेयर एनी अदर रिसर्च स्पेसिफिक टू दोज कीप ऑन गेटिंग हेयर लाइक एफ एम सी जी सेक्टर हमने एनालिसिस किया था 15 टॉप कंपनीज का यहाँ पर काफी सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं, सो यू विल गेट दैट एनालिसिस अगर हम पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर के लिए कोई लाइव सेशन स्पेसिफिकली कर रहे हैं सो so उसका भी एक्सेस यू विल गेट इट हेयर राइट सो ऑल द रिसर्च एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स इफ यू क्लिक ऑन लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो कोई भी रिपोर्ट अगर पीडीएफ फॉर्मेट में वी हैव अपलोडेड फॉर यू गाइस दैट विल बी अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है तो ये सब स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का अलग-अलग रिसर्च यहाँ पर रहेगा तो मेरे मैंने बताया आपको मैंने मॉडरेट का किया था तो मॉडरेट का ही यहां पर रिसर्च आपको मेजरली uh, यहाँ पर दिखेगा और जो जेनरिक रिसर्च है वो भी यहाँ पर दिखेगा राइट सो दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल द रिसर्च व्हाई वी हैव टेकन दो स्टॉक व्हाई अगर कोई स्टॉक से एग्जिट किया है तो क्यों किया है एग्जिट रिबैलेंसिंग टाइम पे तो वो रीजंस के साथ वट आवर अवर थॉट प्रोसेस क्यों किया है हमने तो वो हम कंप्लीट यहाँ पर आपको यहाँ पर बताते हैं राइट right? एक वी हैव आल्सो गिवन अ कैलकुलेटर इन ईच पोर्टफोलियो लाइक आई सेड मॉडल पोर्टफोलियो मॉडरेट पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं तो लास्ट वन मंथ में उसने थ्री वन ईयर में दिए हैं ये उसका एलोकेशन है स्टॉक एलोकेशन एलोकेशन है 50 है राइट right? तो अब ये फिफ्टी थाउजेंड जो है अगर मैं इन्वेस्ट करना आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं कैलकुलेटर में ठीक है तो उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कैलकुलेटर की हाउ मच मनी यू शुड इन्वेस्ट इन ईच स्टॉक एंड एम एफ राइट right, तो ये पांच सपोज पांच एम हमने डाले हुए हैं तो आपने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज डाला तो आपका इतना परसेंट एलोकेशन होना चाहिए में इतना पैसा आप डालिए स्टॉक में स्टॉक का नाम यहाँ पर होगा उसका सब कुछ एन वगैरह होगा तो तीन स्टॉक आपको ये वाला स्टॉक खरीदना है तीन लेने हैं उसके पचास में ठीक है तो पचास में से तीन स्टॉक आपको ये वाले मिलने दो स्टॉक आपको ये वाले मिलेंगे तीन स्टॉक आपको ये वाले मिलेंगे और ये आपका एक्चुअल वेट रहेगा फाइनल उस स्टॉक का और इतना पैसा आपको उसमें इन्वेस्ट करना है आज के प्राइस के हिसाब से सो यू विल नो कि मैं को इतना पैसा डालना है तो कितने स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स कितने कितने खरीदने हैं और कितना फंड्स के कितने यूनिट्स खरीदने हैं मुझे सो यू विल नो एक्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैव टू इन्वेस्ट इन ईच स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट राइट

तो मतलब आप एस आई जो है अगर उसमें कर सकते एज लो एज ट्वेंटी थाउजेंड की एस आई पी आप पोर्टफोलियो में कर सकते हैं right? राइट तो म्यूचुअल फंड ओनली पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वहां तो मिनिमम अमाउंट की कोई इशू होता नहीं है लेकिन स्टॉक्स में मिनिमम अमाउंट का इशू होता है क्योंकि मिनिमम आपको वन स्टॉक खरीदना पड़ता है तो इसीलिए एस आई पी ओली पोर्टफोलियो ही अगर आप एसआईपी के थॉट प्रोसेस ले रहे हैं और आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ आप डालने जा रहे हैं तो आपके लिए एस आई पी ओनली पोर्टफोलियो ही आपके लिए बेस्ट है लेकिन अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है आप लमसम भी डालेंगे कभी एक रैंडमली पीछे भी डालते हैं रिसर्च थॉट प्रोसेस से सोचते हैं तो आप बाकी कोई भी पोर्टफोलियो एक बाय कर सकते हैं उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू बिगर तो बड़े SIP वाले 70 पर मंथ वाले आप पोर्टफोलियो uh, ले सकते हैं तो आप मिनिमम अमाउंट आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको थॉट प्रोसेस रखना है एक और चीज ये है कि मेनी पीपल आस्कर्स कि मैं अगर पैसा डाल रहा हूँ सो so, uh, मैं अगर सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपये डालना चाहता हूं लेकिन मैं डालना चाहता हूं स्मॉल एंड मिड कैप में अब मिनिमम अमाउंट इज सी थाउजेंड और मैं डालना चाहता हूं ट्वेंटी दिस मंथ एंड ट्वेंटी रेस्ट ऑफ दर्ट फोलियो तो इज ऑल ओके यस आपका जो ट्रैकिंग होगा जो हमारे ट्रैकिंग के हिसाब से थोड़ा अलग होगा बट आप ये समझिए कि दीज पोर्टफोलियोज आर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म उतने में वो इतना एक पंद्रह बीस दिन का एक महीने का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा राइट सो दैट इज वॉट यू शुड थिंक अबाउट इट फिर उस हिसाब से आप अपना थॉट प्रोसेस दीजिए नाउ आई विल मूव बेसिकली आई हैव शोन यू दिस वॉज कंप्लीटली एवरीथिंग अबाउट द द मॉडल पोर्टफोलियो दिस इज हाउ वी गिव ऑल द रिसर्च एंड एवरीथिंग टू यू बहुत रिसर्च देते हैं हम उसमें तो स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है सो बेसिकली फर्स्ट इज की मॉडल पोर्टफोलियो में हमने करंटली एट पोर्टफोलियोज विच आई शोड विच वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं स्मॉल केस में यू विल फाइंड मोर देन एटी पोर्टफोलियो तो वहां पर अगेन कौन सा चूज करूं बिकम्स अ चैलेंज तो फिर म्यूचुअल फंड में भी वैसा ही है कौन सा चूज करें तो आपको एडवाइजर चाहिए आप अपना खुद का अगर आप डीआई वाई है तो आपके लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा एट्टी प्लस पोर्टफोलियोज में चूज करना है हमारा इट इज प्योर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल राइट सो यू सब्सक्राइब एंड यू गेट ऑल द दमेशन वहां पर दो मॉडल्स मॉडल्स हैं स्मॉल केस में में अगर आप एडवाइजर वाले जो जो जाएंगे तो वहाँ पर एक फ्री वाला मॉडल है उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन मॉडल है तो आपको पोर्टफोलियोज दिखेंगे यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोर्टफोलियोज और अगर आप ट्रांजेक्ट करते हैं तो स्मॉल केस चार्जेस सम ट्रांजेक्शन फीस ठीक है तो दैट इज हाउ द ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल वर्क्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी है स्मॉल केस में जहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक यू कैन सब्सक्राइब लाइक जैसे मॉडल पोर्टफोलियो हमारा है तो ऐसे ही वहाँ पर काफी सारे डिफरेंट एडवाइजर्स uh, ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट किए पोर्टफोलियोज क्रिएट किए विच यू कैन सब्सक्राइब एंड देन देर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस् ऑल्सो एसोसिएटेड सो देर इज टू इट देर इज अ टू ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट दट एज वेल सो दट इज हाउ बेसिकली डिफ्रेंस वी आर प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड थर्ड इज की हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी है तो हम राइट right, तो वहां पर बिकॉज स्मॉल केस इज अ स्टॉक ओनली प्लेटफॉर्म तो वहां पर आपको सिर्फ ईटीएफ और स्टॉक्स ही मिलेंगे वहां पर आपको म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो नहीं मिलेंगे म्यूचुअल फंड का थॉट प्रोसेस वहां नहीं है प्योर स्टॉक का पोर्टफोलियो वहां पर कितना कैश एलोकेशन वगैरह का थॉट प्रोसेस आप नहीं रख सकते अगर आपको कैश तो यहां पर जैसे हमारे तीन पोर्टफोलियोज हैं उसमें हम कैश एलोकेशन भी रखते हैं राइट इवन इन म्यूचुअल एम ओनली पोर्टफोलियो वहां पर एक कैश एलोकेशन का थॉट प्रोसेस हम देते हैं बट

स्मॉल केस में ऑब्वियसली देट शेयर एनी रिसर्च दे आर ए रेडीमेड पोर्टफोलियोज आई एम श्योर देर आर एक्सपर्ट्स हू मेक इट बट देट शेयर दे डोंट टेल यू वाई दे है रिमूवड अटॉक और दे है स्टॉक और उसका रिसर्च वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेगा Completely we give a transparency reasons for exit entry. अगर हम कोई exit कर रहे हैं किसी stock से तो we tell you कि क्यों हमने exit लिया है कोई दूसरा stock लेके आ रहे हैं तो reason बताते हैं कि why we have replaced और why we have exited. Everything is explained with complete details with lot of research in our platform, right? यहाँ पर there is a transparency in methodology. वो methodology समझाते हैं but कोई risk वो रीजन एग्जिट और एंट्री वगैरह के आपको शेयर कर भी नहीं सकते बिकॉज नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज आर टू हाई फॉर राइट एंड दैट्स नॉट देर मॉडल देर मॉडल इज के पोर्टफोलियो बने हुए हैं आप इन्वेस्ट कीजिए ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म इट्स नॉट अ रिसर्च प्लेटफॉर्म सो ये चीज आप समझिए कि दिस इज अ रिसर्च प्लेटफॉर्म इजर्च सब्सक्रिप्शनस्टैंडिंग ऑफ वाई दिस स्टॉक वाई दिस फंड यू कैन टॉक टू रिसर्च टीम अंडरस्टैंड क्यों आपने ये फंड सिलेक्ट किया नहीं किया ये क्यों नहीं किया ये वाला स्टॉक क्यों नहीं किया सो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्कस ऑल्सो this team वहां so तो पर ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म सो मॉडल पोर्टफोलियो एक एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा एक एक पोर्टफोलियो एक फंड खरीदना पड़ेगा वहां पर ऐसा नहीं है वहां पर क्लिक ऑफ ए बटन पे यू कैन बाय ऑल अगर टेन स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में तो टेन स्टॉक ऑफ ए बटन पे ऑल टेन स्टॉक्स कैन बी बॉट टूगेदर ठीक है रीबैलेंसिंग एक क्लिक ऑफ ए बटन पे ऑल रीबैलेंसिंग कैन बी डन सो दैट इज अग बिग एडवांटेज विच स्मॉल केस प्रोवाइड विच वी डोंट हैव आपको रिसर्च चाहिए तो आप जितना के मॉडल पोर्टफोलियो पे की, आपको एक ट्रांजेक्शन का इजीनेस चाहिए तो आप स्मॉल केस पे जाइए एक और चीज कर सकते हैं कि आप यज्ञा के पोर्टफोलियो का एक स्मॉल केस खुद क्रिएट कर सकते हैं दे गिव दैट ऑप्शन सो यू कैन क्रिएट अ स्मॉल केस देयर एंड देन यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट इट

ठीक एवरी थिंग इज वेरी लॉन्ग टर्म एकट पोर्टफोलियो की बात हो रही है तो पोर्टफोलियो जो है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स के लॉन्ग टर्म ही होते हैं तो कंप्लीट लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है वी वी ट्राई ट्राई टू रिड्यूस एक्चुअली कि आप एक स्टॉक लीजिए तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अनब्लम विच वी आइडेंटिफाई की नहीं अच्छा नहीं है कोई स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है एंड वी थिंक नाउ फ्रॉम दैट लेवल्स उसको फाइव इयर्स में अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वी एग्जिट दैट

ठीक है तो देन ओनली स्टॉक इज देयर इन द पोर्टफोलियो जैसे ही लगता है कि ओवर वैल्यूड हो गया है या कुछ ऐसा इशू हो गया है उसके business model में governance में जिसमें हैव डन दैट वी हैव एग्जिटेड एटलीस्ट आई वुड से थ्री टू फोर स्टॉक्स इन वेरियस पोर्टफोलियोज इन लास्ट सिक्स टू एट हैव एग्जिटेड एंड वी हैव टेकन डिफरेंट स्टॉक्स एज वेल तो वी डू दैट वी डू टेक दोज टैक्टिकल कॉल्स एज वेल इट इज नॉट कि हम बिल्कुल ही स्ट्रिजेंट हैं अपने उस पर वी डू टेक टैक्टिकल कॉल्स एज वेल गिव सेल कॉल्स ऑन द स्टॉक्स एज आई सेट कि कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में बिजनेस मॉडल में कुछ इशू लग रहा है गवर्नेंस में कुछ इशू लग रहा है कुछ न्यूज से वी आर नॉट कमेबल विद और कुछ वैल्यूएशन इशू लग रहा है कि बहुत ज्यादा वैल्युएशन हो गया है तो एनीथिंग ऑफ दैट सॉट हैपन्स वी गो डू सेल कॉल्स ऑन द स्टॉक्स यू विल गेट थ्रू ई मेल्स एंड ऐप नोटिफिकेशन की ये कॉल

Do I, do I get access to all Stockometers Plus subscription or research? If I do get model portfolio subscription, no. You will get research only of the stocks which basically you have, that there are which are there in the model portfolios. So not for the other things, you will not get any of the things. And for mutual funds, we keep on updating various research on the model portfolios only, so you will get the mutual fund research regularly there. So that is all we have on this model portfolio. Right. if you have still have any question please do write in the comment section below and have a great time ahead jai hind